तो देखिए, कल हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे द्विक समष्टि के, आज हम प्रमेय कर रहे हैं। सबसे पहले एक पॉइंट एक, तो देखो प्रमेय का स्टेटमेंट है, माना कि एक्स एक रिक्त समुच्चय है, तो प्रतिचित्रण डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर एक दूरी है यदि और केवल यदि निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हो। पहला प्रतिबंध है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई फॉर इच ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और सेकंड प्रतिबंध आपके पास है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड फॉर इच ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। अब इसको हमें प्रूव करना है। देखिए अब प्रूव किस प्रकार से करेंगे, ध्यान देना भाई। यहां आपके पास में जो कनेक्टिव है ये है यदि और केवल यदि। कनेक्टिव यदि और केवल यदि होने का मतलब हम दो कंडीशन हल करते हैं। पहली कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर ये कनेक्टिव होने का मतलब दो स्टेटमेंट है आपके पास में, तो प्रूव करने के लिए हम लोग एक बार तो जो पहला स्टेटमेंट है क्या है, माने कि जो प्रतिचित्रण है डी ये एक दूरी है, तो फिर हम सिद्ध करेंगे कि ये दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, और एक बार इसका विलोम हम लोग करेंगे। तो पहली कंडीशन में तो देखिए, मान लिया कि प्रतिचित्रण डी दूरी है, माना कि प्रतिचित्रण डी दूरी का। अब डी दूरी का है तो दूरी की परिभाषा से, दूरी की परिभाषा में आप पढ़ते हैं ना चार अभिग्रहित, तो उन चार में से देखो जो सेकंड अभिग्रहित हमने लिखा था डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई है, और ये फोर्थ अभिग्रहित लिखा था हमने, तो ये दोनों कंडीशन इसकी परिभाषा में ही सम्मिलित हो जाती है, तो डी दूरी के, इसलिए दूरी की परिभाषा से, इसलिए दूरी की परिभाषा से, दूरी की परिभाषा से हम जानते हैं। देखिए पहला अभिग्रहित लिखने की में आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो दो सिद्ध कर रहे हैं बस वो दोनों अभिग्रहित आप लोग लिख देंगे। एक तो आपको सेकंड अभिग्रहित चाहिए, तो सेकंड अभिग्रहित आप जानते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई, और फोर्थ अभिग्रहित आप लोग जानते हैं कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड फॉर इच ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ये पहला कंडीशन आपका हो गया। अब हम एक बार इसका विलोम करेंगे, तो विलोम में देखिए आप लोग क्या करेंगे भाई, मान लेंगे कि फलन डी इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो फिर हम सिद्ध करेंगे कि डी दूरी है। तो विलोम में मान लिया कि माना प्रतिचित्रण डी निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, माना प्रतिचित्रण डी निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। वो प्रतिबंध क्या है दोनों लिख लीजिएगा। पहला प्रतिबंध है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई फॉर ईच ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और सेकंड प्रतिबंध आपके पास है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड फॉर ईच ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो मान लिया कि प्रतिचित्रण डी इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि डी दूरी का। हाँ, तो देखिए अब डी को दूरी करना, अब डी को दूरी करने के लिए चार अभिग्रहित संतुष्ट करना चाहिए। अब चार में से देखिए दो अभिग्रहित तो हमें पहले से दिया हुआ है, दो अभिग्रहित और चाहिए। तो पहला अभिग्रहित हम लोग क्या कहते हैं दूरी की परिभाषा में कि डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए देखिएगा हम तीन बिंदु ले लेंगे यहां पर कोई भी, और वो तीन बिंदु हम लोग क्या लेंगे देखिएगा, सपोज ये हमने ले लिया एक्स एक्स वाई, दो बिंदु सेम ले लिए एक्स एक्स और तीसरा हमने ले लिया वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए,
ये वाला सेकंड प्रतिबंध हम यहां यूज कर रहे हैं। देखना जब भी तीन बिंदु एक्स वाई जेड हैं, इन तीनों बिंदुओं में संबंध आप देख सकते हैं कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन होगा डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड से। अब यहां देखना डी एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब हो जाएगा एक्स एक्स लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड, इसका मतलब यह होगा एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, वाई जेड का मतलब हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, देखिए डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई बन जाएगा टू डी एक्स वाई और ग्रेटर इक्वल हो जाएगा डी एक्स एक्स, ठीक लिखा ना। और पहला जो भी गई था वो देखिए क्या करे कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि अगर डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा और अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो फिर डी एक्स वाई जीरो होगा। यहां से देख सकते हैं एक्स एक्स दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा डी एक्स एक्स का जीरो, एक्स और वाई बराबर होती है दोनों के बीच की दूरी जीरो होगी तो डी एक्स एक्स आपके पास में जीरो हो जाएगा। इसको हम जैसे जीरो करेंगे तो टू डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो और दोनों पक्षों में दो का डिवाइड कर देंगे दो से, दो से डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो, ये अपने पास में आ गया प्रतिबंध नंबर फर्स्ट। अब प्रतिबंध नंबर सेकंड, ये आपको पहले से दिया हुआ देखो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई, तो तीसरा प्रतिबंध आप लोग ज्ञात करेंगे। तो तीसरा प्रतिबंध होता है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो फिर से हम लोग तीन बिंदु ले लेते हैं, अब डी एक्स वाई तो एक्स वाई और एक्स ले लेते हैं एक बार हम तीन बिंदु, और इनमें फिर से हम लोग ये प्रतिबंध सेकंड यूज करेंगे। अब प्रतिबंध सेकंड यूज करने पर क्या बनेगा देखते हैं, देखो डी एक्स वाई तो डी एक्स वाई आ जाएगा लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड, तो डी एक्स जेड का मतलब हो जाएगा एक्स एक्स और प्लस डी वाई जेड, तो वाई जेड का मतलब हो जाएगा वाई एक्स, तो डी वाई एक्स, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन, देखो यहां जो पहला प्रतिबंध इसमें दिया गया हमें कि जैसे x इक्वल टू वाई होगा तो डी एक्स वाई जीरो हो जाएगा, तो यहां x x दोनों सेम है इसका मतलब डी एक्स एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचा है यहां से डी वाई एक्स, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब एक बार अगर हमें डी वाई एक्स लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई मिल जाए तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए देखो फिर से हम तीन बिंदु ले रहे हैं, अब की बार देखो डी वाई एक्स बनाना चाह रहे हैं हम लोग, इसलिए बिंदुओं को इस प्रकार से लेंगे वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए, फिर से यही जो सेकंड प्रतिबंध है इसको यूज करना है, तो इसको यूज करिए। देखो सबसे पहले डी एक्स वाई लिखना है आपको, एक्स वाई का मतलब होगा वाई एक्स लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड, तो डी एक्स जेड का मतलब बनेगा वाई वाई और प्लस डी वाई जेड, वाई जेड का मतलब बन जाएगा एक्स वाई, तो ये एक्स वाई। अब इसको हल करिए तो डी वाई एक्स लेस देन इक्वल देन, देखो वाई वाई सेम है दोनों, इसका मतलब डी वाई वाई जीरो बन जाएगा, तो लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई, इसको आप नंबर सेकंड कर दीजिएगा एक में दो से। देखो समीकरण एक से तो है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी वाई एक्स, सेकंड में है डी वाई एक्स लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई, यानी कि एक तो क्या कह रहा है कि डी एक्स वाई या तो डी वाई एक्स के बराबर है या फिर इससे छोटा है, सेकंड कह रहा है कि डी वाई एक्स डी एक्स वाई से छोटा है या फिर इसके बराबर है, तो दोनों का जो कॉमन हल है ये आपके पास में जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स,
ये अपने पास में आ गया प्रतिबंध नंबर चार, और ये प्रतिबंध नंबर फोर आपको पहले से दिया गया है, दूरी के चारों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि डी एक दूरी है, इसलिए डी दूरी है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रमेय नंबर 1.2, यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो डी एक्स वाई डिट्रिक वर्ल्ड मोड डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई फॉर इच ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, करते हैं प्रूफ। देखे तभी उसमें करना है क्या, आपने डी एक्स वाई को ऐसा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला बिंदु ले लेते हैं डी एक्स जेड, एक्स वाई जेड, तो यहां पर इस समुच्चय x के कोई भी तीन एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया डी एक्स जेड, और देखो दूरी क्या d, तो दूरी में जो चौथा प्रतिबंध है उस चौथे प्रतिबंध को हम यहां यूज कर रहे हैं। तो चौथे प्रतिबंध के लिए देखो तीसरा जो बिंदु है y, तो उसके लिए आप लिखेंगे डी एक्स जेड लेस देन इक्वल देन, देखो y को दोनों के बीच में ले लें तो डी एक्स वाई और डी वाई जेड बन जाएगा। एक तो जाएगा डी एक्स वाई और प्लस एक हो जाएगा डी वाई जेड। अब डी एक्स जेड लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड और प्लस, देखिए दूरिक में जो थर्ड प्रतिबंध होता है डी एक्स वाई बराबर होता है डी वाई एक्स के, तो जो डी वाई जेड है इसको हम लिख सकते हैं डी जेड वाई, और दोनों पक्षों में डी जेड वाई घटा दीजिएगा, दोनों पक्षों में डी जेड वाई घटाएंगे तो डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड, ये डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल देन, ये एक्स वाई था यहां तो डी एक्स वाई, ये अपने पास में आ गया पहला समीकरण। एक बार हम लोग डी जेड वाई को ले लेते हैं पहले, तो डी जेड वाई को लेकर हल करिए, तो लेस देन इक्वल देन, अब देखो वही चौथा प्रतिबंध लगा है, अब तीसरा बिंदु बच गया अपने पास में यहां एक्स, एक्स बचे तो एक्स को दोनों के बीच में ले लो, तो जेड एक्स बनेगा और एक एक्स वाई बन जाएगा, तो डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई। अब इसके दोनों पक्षों में एक बार घटाने से पहले डी जेड वाई लेस देन इक्वल देन डी जेड एक्स को अपन एक्स जेड लिख सकते हैं और प्लस डी एक्स वाई। अब समीकरण के दोनों पक्षों में डी एक्स जेड घटा दीजिए, डी एक्स जेड घटा देंगे तो आ जाएगा डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई। अब देखो यहां आपने को बनाना है डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, तो बचा डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, दोनों में से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक व दो से, एक व दो से, एक और दो को जरा ध्यान देना, आरएचएस बिल्कुल सेम है, एलएचएस संख्यात्मक मान तो बिल्कुल सेम है, केवल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के हमें एक साथ लिखना है, तो मापांक लगा लेंगे हम लोग, तो आप लोग लिख देंगे मॉड डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसलिए दोनों को एक साथ लिखने के लिए मोड का यूज हमने कर लिया, या डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल मॉड डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, ये हमें सिद्ध करना था। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रमेय नंबर 1.3, यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो मोड डी एक्स वन वाई वन माइनस डी एक्स टू वाई टू लेस देन इक्वल देन डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी वाई वन वाई टू। ठीक है भाई, देखते हैं तो
तो सबसे पहले हम लोग यहां से मिलेंगे, देखो ये x1 y1 x2 y2, ये चार एलिमेंट है x के। अब सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां से d x1 y1 को, तो लेस देन इक्वल है। देखिए वो ही दूरी में जो चौथा कंडीशन है उसको हम यहां यूज करेंगे। अब चौथे कंडीशन को यूज करने के लिए आपको तीन बिंदु चाहिए होता है, देखो तो दो बिंदु तो यही है x1 y1। अब ये तीसरा बिंदु हमने ले लिया x2, तीसरा बिंदु x2 को जब लेंगे तो देखो x2 को दोनों के बीच में लगा लो, तो एक तो बनेगा x1 x2, एक बनेगा x2 y1। तो लिख दो दोनों, तो d x1 x2 प्लस डी एक्स टू वाई वन, तो डी एक्स वन वाई वन लेस देन इक्वल देन डी एक्स वन एक्स टू और प्लस। अब देखो एक और बिंदु बचा है अपने पास में वाई टू, उस वाई टू के लिए फिर से इसमें कंडीशन चौथी कंडीशन यूज कर लेंगे अपन। अब इसमें चौथी कंडीशन यूज किस प्रकार से करेंगे, देखो बिंदु आप वाई टू ले रहे हो यहाँ, तो वाई टू को इनके दोनों के बीच में ले लो, तो एक तो बनेगा x2 y2 और एक बनेगा y2 y1। तो लिख दीजिएगा दोनों को, तो लेस देन इक्वल देन तो ऑलरेडी है यहां पर, तो d x2 y2 प्लस d y2 y1। अब जैसा आपने कुछ चाहिए वैसा व्यवस्थित कर लीजिएगा। इधर आपको चाहिए माइनस d x2 y2, तो ये जो d x2 y2 है इसको दोनों पक्षों में से घटा दीजिए। दोनों पक्षों में से घटा देंगे तो आ जाएगा डी एक्स वन वाई वन माइनस डी एक्स टू वाई टू लेस देन इक्वल देन डी एक्स वन एक्स टू और प्लस डी वाई टू वाई वन को अपन द्वरित में वाई वन वाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि द्वरित में तीसरे प्रतिबंध से आप जानते हैं डी एक्स वाई बराबर होता है डी वाई एक्स के। ठीक है, तो एक समीकरण तो ये बन गया अपने पास में। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए एक बार हम यहां से इस बिंदु x2 y2 से स्टार्ट कर देंगे, तो अब की बार हमने ले लिया d x2 y2 लेस देन इक्वल है। देखिए सबसे पहले हम तीसरा बिंदु ले लिया x1, और x1 जब तीसरा बिंदु लेंगे और चौथा प्रतिबंध लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। x1 को दोनों के बीच में ले लीजिएगा, दोनों के बीच में लेंगे तो एक तो बनेगा x2 x1, एक बन जाएगा x1 y2। तो लिख दीजिए दोनों को d x2 x1 और प्लस d x1 y2। ठीक है, और अब फिर से d x2 y2 लेस देन इक्वल देन, ये जो d x2 x1 इसको हम तो हम दूरी का जो तीसरा प्रतिबंध है इसकी सहायता से d x1 x2 लिख सकते हैं, और ये जो आपके पास में आएगा d x1 y2, इसमें देखना आपके पास में एक बिंदु बचा है भी y1, तो उस बिंदु y1 को दोनों के बीच में लेके फिर से हम चौथा प्रतिबंध लगा देंगे। तो दोनों के बीच में जैसे y1 को लेंगे तो देखो एक तो बनेगा x1 y1 और एक बनेगा y1 y2, तो लगा दीजिएगा, तो बनेगा d x1 y1 और प्लस d y1 y2। अब इसके दोनों पक्षों में से d x1 y1 को घटा दीजिए, तो आ जाएगा डी एक्स टू वाई टू माइनस डी एक्स वन वाई वन लेस देन इक्वल देन, इधर से आपके पास में बचेगा डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी वाई वन वाई टू। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिएगा। अब देखना दोनों दोनों की जो RHS है बिल्कुल सेम है, LHS को अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम है, बस यहां से केवल माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यानी कि फर्क केवल चिन्ह का है इधर, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों चिन्ह एक साथ लगाने के लिए आप मापांक यूज कर लीजिएगा। तो आप लिख देंगे मोड लगा करके डी एक्स वन वाई वन माइनस डी एक्स टू वाई टू लेस देन इक्वल देन डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी वाई वन वाई टू, ये हमें सिद्ध करना था। हाँ, तो अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं छद्म दूरी का, सुडोमेट्रिक। देखिए छद्म दूरी होता क्या है, माना कि एक कोई भी अरिक्त समुच्चय
तब प्रतिचित्रण जो डी एक्रॉस ए से आर पर परिभाषित है, इसको हम छद्म दूरी कहते हैं यदि और केवल यदि यह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता हो। अभिग्रहित क्या होंगे, देखिए पहला अभिग्रहित डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो, सेकंड अभिग्रहित है एक्स इक्वल टू वाई, देन डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और थर्ड अभिग्रहित है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, नंबर फोर अभिग्रहित है डी एक्स जेड लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अगर इन चार अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है तो डी को हम छद्म दूरिक सूडोमेट्रिक कहते हैं। अब देखिए दूरिक और छद्म दूरिक में अंतर क्या हुआ दोनों में, दूरिक में जो अभिग्रहित आपने चार लिखे थे वो चार अभिग्रहित में से ये तीन तो बिल्कुल सेम है, दूरिक में छद्म दूरिक दोनों के डेफिनेशन में तीन अभिग्रहित बिल्कुल सेम है, अंतर केवल इस एक अभिग्रहित का सेकंड अभिग्रहित का। देखिए दूरिक का जो डेफिनेशन है इसमें सेकंड अभिग्रहित आपने लिखा था कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई, यानी उसमें दोनों बातें सत्य थी, दोनों बातें कौन सी कि अगर एक्स बराबर वाई होगा तो डी एक्स वाई बराबर जीरो होगा, और इसका विलोम भी कि जब डी एक्स वाई बराबर जीरो होगा तो एक्स बराबर वाई होगा, दूरिक में ऐसा दोनों सत्य था। लेकिन छद्म दूरिक में एक्स वाई बराबर हो तो डी एक्स वाई जीरो होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर डी एक्स वाई बराबर जीरो है तो फिर एक्स वाई बराबर हो, ठीक है। तो ये केवल एक ही अंतर आपके पास में था कि दूरिक में तो एक्स और वाई बराबर हो तो डी एक्स वाई जीरो होगा, डी एक्स वाई जीरो होगा तो एक्स और वाई बराबर होगा, जबकि इसमें इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं समुच्चय व्यास डायमीटर ऑफ ए सेट। देखिए समुच्चय व्यास क्या होता है, मान लीजिए एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा ए एक्स का कोई उपसमुच्चय है, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा ए एक्स का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तब समुच्चय ए के व्यास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए के द्वारा, और परिभाषित इस प्रकार से करेंगे डेल्टा ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है भाई। एक्स डी अगर कोई भी दूरिक समष्टि है और ए एक्स का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय है, तब ए के व्यास को हम डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, परिभाषित इस प्रकार से करते हैं डेल्टा ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के दो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आप लोग ज्ञात करेंगे, और जो भी दूरी अधिकतम होगी समुच्चय के कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी जो अधिकतम है, सुप्रीमम का मतलब जो भी दूरी अधिकतम है, उस अधिकतम दूरी को ही आप समुच्चय ए का व्यास कहते हैं।